देश में कोरोना के कहर के बीच 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को संबोधित करते हुए दी जानकारी। पीएम मोदी ने कहा 20 अप्रैल तक देश में हर जिले, शहर, कस्बे और थाने को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। लॉकडाउन के पालन पर होगी नजर। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन की अग्नि परीक्षा में जो क्षेत्र सफल होंगे, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद कम होगी, वहां कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। प्रधानमंत्री के मुताबिक लॉकडाउन में किसानों को कम से कम दिक्कत हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दवा से लेकर खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार होने का दिया हवाला। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 7 बातों के पालन में मांगा साथ, कहा कोरोना संकट के बीच अपने घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, पुरानी बीमारी पीड़ितों का खास ख्याल रखें। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में बने फेस कवर या मास्क जरूर पहनें, आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री की अपील, गरीबों की देखरेख करें, उनके भोजन का रखें ख्याल, अपने उद्योग में सहयोगियों से रखें संवेदना, किसी को नौकरी से ना निकालें। प्रधानमंत्री ने कहा डॉक्टर, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मियों समेत कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप खुद डाउनलोड करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करने के बाद ट्विटर अकाउंट पर अपनी तस्वीर बदली, मास्क वाली फोटो लगाई। पीएम मोदी ने दिया हवाला, देश में जब कोरोना का एक भी केस नहीं था तब से भारत ने एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की। पीएम ने कहा 100 केस पर 14 दिन के क्वारंटीन का नियम लागू किया गया, 500 केसेस पर लागू किया गया लॉकडाउन, समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, फौरन उचित फैसले लिए। पीएम मोदी के मुताबिक देश में इस वक्त 220 लैब में हो रही है कोरोना की जांच। पीएम मोदी ने तैयारियों का दिया हवाला, कहा देश में कोरोना के 10,000 मरीज होने पर भी 1,00,000 बेड का है इंतजाम। भारत के युवा वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री का आग्रह, विश्व कल्याण के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने का उठाएं बीड़ा। देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक कोरोना के 10,363 मामले सामने आए। कोरोना से देश में अब तक 339 लोगों की हुई मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में बढ़े कोरोना के 1,211 मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, अब तक 2,334 लोग कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 160 लोगों की मौत, 217 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की दहशत, कोरोना के अब तक 1,510 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस ने अब तक 28 लोगों की जान ली, 30 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, अब तक 604 लोग कोरोना पॉजिटिव, 43 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में 558 लोग कोरोना पॉजिटिव, 5 लोगों की मौत, 49 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। राजस्थान में 873 लोग कोरोना से पीड़ित, 3 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में 1,173 लोग कोरोना से पीड़ित, 11 लोगों की जा चुकी है जान, 58 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। तेलंगाना में 562 लोग कोरोना पीड़ित, 16 की मौत, 100 संक्रमित हुए स्वस्थ। केरल में 379 लोग कोरोना पीड़ित, 3 लोगों की हुई मौत, करीब 200 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। गुजरात में 539 लोग कोरोना पीड़ित, 26 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 432 लोग कोरोना पीड़ित, अब तक 7 पीड़ितों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, 5,82,607 लोग कोरोना से प्रभावित। अमेरिका में कोरोना से 23,628 लोगों की अब तक गई जान। अमेरिका में अब तक 44,261 कोरोना पीड़ितों ने जीती जंग, बीमारी से हुए स्वस्थ। इटली में अभी तक कोरोना का कहर जारी, अब तक 1,59,516 लोग कोरोना से पीड़ित।
इटली में कोरोना से 20,465 लोगों की जा चुकी है जान, 35,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की जनता से की अपील, देश पर आए कोरोना संकट का घर में रहकर दें साथ। सोनिया गांधी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सल्यूट, उनके स्वस्थ रहने की कामना की। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सैनिटाइजिंग टनल से गुजरते दिखे लोग। खरगोन में भी थाने में लगाई गई पूरे शरीर को सैनिटाइज करने वाली मशीन। गुना में भी पुलिस ने कराया सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण, पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के साथ लाठी को भी सैनिटाइज करते दिखे। कोरोना संकट के बीच फतेहपुर शेखावटी में कांग्रेस पार्षद निकिता रिंडवा जरूरतमंदों के लिए बनी मददगार, 3,000 परिवारों को पहुंचाई राशन सामग्री। जम्मू के भटिंडा इलाके को रेड जोन घोषित किया गया, बरती जा रही है सख्ती। कानपुर में ड्रोन से हो रही है लॉकडाउन की निगरानी, पुलिस घर से बाहर आने जाने वालों पर रख रही है नजर। वाराणसी में जोर शोर से जारी है सैनिटाइजेशन का काम, गुदौलिया चौक पर किया गया स्प्रे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोरोना के कहर में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों को मदद के लिए आगे आया कारोबारी, पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की हो रही है क्लोज मॉनिटरिंग, न्यूयॉर्क में बाघिन को कोरोना होने से सतर्क है जू अथॉरिटी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, सभी देशवासियों को तरफ से दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि दी, घर पर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर किया पुष्पारोपण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि देकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर जयंती पर दीप प्रज्वलित कर प्रकट की अपनी भावना।